तुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं। मैंने कुछ गलत किया है? नहीं। तुम देखो, जो जो तुम्हें ठीक लग रहा है ना, वो बेस्ट है। नहीं, तुम एक दफा कहो, मैं मना कर दूंगी। नहीं, कहो तो। नो, क्यों कहूँ? तुम सही सोच रही हो, दिस इज व्हाट यू नीड, यू नो, क्राउड के साथ इंटरेक्शन, अंडरस्टैंडिंग द क्राउड, फीलिंग द स्पेस, दैट्स गुड। अभी तुमने क्या कहा है वहां खड़े होकर? 2 सेकंड पहले तुमने कहा है तुम और अंडरग्राउंड स्पेसेस को जानते हो, अब तुम कह रहे हो फील द स्पेस। तो मैं उस लड़की को स्टेज देना चाहता था, बल्कि अभी भी देना चाहता हूं, लेकिन रोमान के इस रिएक्शन के बाद फिलहाल मुमकिन नहीं है। हाँ, एक ऑफर है मेरे पास। कैसी ऑफर? मैनेजमेंट साइड की। मैनेजमेंट देखे, इन्वेंट्रीज, रिसेप्शन पे, बुकिंग्स। क्या बातें कर रहे हैं पागलों वाली ब्रो? वो आर्टिस्ट बंदी है एक, आर्टिस्ट बंदी को मैनेजमेंट, रिसेप्शन, इन्वेंट्री में डाल रहे हैं, तू क्या कर रहा है? भाई काम है, कम से कम यहाँ आ तो जाएगी। उसका काम से कोई लेना देना नहीं है, उसको स्टेज की थर्स्ट है, स्टेज पर चढ़ाओ उसे। वो यार स्टेज भी मिल जाएगा, हाँ, इट्स अ फुट इन द डोर। यहाँ आएगी, यहाँ का माहौल देखे, दूसरे स्टैंड अप कॉमेडियंस को ऑब्जर्व करे, ऑडियंस गेज करे। तो चल तू ट्राई कर ले, उसने माना ही नहीं, मुझे पता है। तू मैनेजर है उसका जो उसके बिहाफ पर ना कर रहा? तू ट्राई कर ना, ऐसे टका के मस्ती करती है ना वो, तो बताओ बताइए मुझे क्या कहती है। भेजती कौन सी पहली दफा होगी? आप जैसे कहेंगी वैसे कर लेंगे, मगर आज मैं यूनिवर्सिटी हूँ तो यहाँ से फ्री होंगी तो फिर चक्कर लगाऊंगी। ग्रेट, आप फिर शाम में आ जाइए, बैठ के बात कर लेंगे, बल्कि खड़े होके बात कर लेंगे, जैसे आप कहेंगी। ठीक है, ओके, बाय। ऑफर आज के बाद मैं लगता है इतने ही चीफ साहब। कभी भाई कोई टेंशन? नहीं यार, कुछ नहीं, छोड़ दे। हाय, व्हाट्स अप? वो मैंने जोरी को मना किया था कि आपको कॉल ना करे, लेकिन उसे फिर भी कॉल कर ली। क्यों तुमने जोरी को क्यों मना किया था कि मुझे कॉल ना करे? नहीं, एक मिनट, जोहरी ने आपको कॉल करके ऑफर नहीं बताई? उसने मुझे कहा है कि आके आज मिले, ऑफर तो मैं पता क्या है ऑफर, सैलरी वगैरह ठीक है, मतलब मेरा महीने का हो जाएगा सीन। आई थिंक आप उनसे खुद सुन गए, बल्कि ना सुने एक्चुअली। सी, मुझे पता है मैंने आप दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन जो वो आपको ऑफर देगा ना, उसमें मेरी कोई इनपुट नहीं है। क्या सस्पेंस डाला है कभी? तौबा यार, क्या कहेगा? ज्यादा से ज्यादा गिटार की स्ट्रिंग्स का घोड़ा बनाने को कहेगा तो बना लूंगी। अब जाओ। अच्छा सुनो, मैं लग कैसी लगी? अच्छी लगी, बस अच्छी, बहुत अच्छी लग रही हो। ओके बाय, इधर ही रहन। ज़ारा लिसन, डोंट वरी, फॉरगेट दिस स्पेस। मैं ज़ारा, मैं 2-3 और अंडरग्राउंड स्पेसेस को जानता हूँ, और देयर सो मेनी मोर लाइक spaces that are underground. खाली ये नहीं है, और तुम्हारे पास options भी आ जाएंगे। यार मैंने जोरी को कहा भी था कि एक आर्टिस्ट बंदे को आप स्टेज देते हो, ये रिसेप्शन जॉब और ये मैनेजमेंट की सारी चीजें, लाइक उसको ना, he doesn't understand the dynamics of this entire thing. मेरे जॉब के लिए हाँ कर दिया है। मैंने ऑफर को हाँ कर दिया है। एक मिनट, क्यों क्यों कबीर,
लुक एट दिस, दिस इज व्हाट आई वांट. मुझे जौहरी ने कहा कि तुम यहाँ आओ, आर्टिस्ट को ऑब्जर्व करो, देखो वो कहते क्या है, उनको उनके डायलेक्ट को समझो एंड पंच लाइन. मेरी पंच लाइन इतनी खराब है यार, मैं सीखूंगी यहाँ पे सब की. आई मीन दिस इज लाइक अ पेड इंटर्नशिप, और क्या चाहिए. थैंक यू यार. तुझे क्या हुआ है? मैंने कुछ गलत किया है? नहीं, तुम देखो, जो जो तुम्हें ठीक लग रहा है ना, वो बेस्ट है. तुम एक दफा कहो, मैं मना कर दूंगी. नहीं, कहो तो. नो, क्यों कहूं? तुम सही सोच रही हो. दिस इज व्हाट यू नीड, यू नो, क्राउड के साथ इंटरेक्शन, अंडरस्टैंडिंग द क्राउड, फीलिंग द स्पेस. दैट्स गुड. अभी तुमने क्या कहा है वहां खड़े होकर? 2 सेकंड पहले तुमने कहा है तुम और अंडरग्राउंड स्पेसेस को जानते हो, अब तुम कह रहे हो फील द स्पेस. मैं जानता हूँ, लेकिन ये बेहतर है ना. एक प्रोसेस है जो शुरू हो चुका है. यू नो द गाय, यू नो द ओनर, ही इज गिविंग यू एक्सेस. तो यही तो मैं कह रही हूँ. मैं भी तो यही कह रहा हूँ. एग्जैक्टली. तो कब से? कल से. और टाइमिंग्स भी बहुत फ्लेक्सिबल है. यूनिवर्सिटी के बाद इधर ही आ जाऊंगी. चलो फिर. ट्रीट? मैं ट्रीट दूं? मैंने? तुम्हारे दोस्त का कैफे है आज तो थोड़ी चीपनेस का लेवल कम कर दो. तुम्हें ट्रीट के कॉन्सेप्ट का मतलब पता है? हाँ पता है, लेकिन टुडे आई एम अनएम्प्लॉयड, सो यू ऑर्डर 2 कॉफीज right now. Wow. Sir, सुन लिया आपने? 2 कॉफी. आ गया वो मकाम लगता है, एक चेहरा तमाम लगता है, नियतों का फतूर गायब है, तो मुकद्दस मकाम लगता है, एक चेहरा तमाम लगता है. ये वादा है तुमसे ना याद करेंगे. देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से पीर से जुमेरात रात 9 बजे ग्रीन एंटरटेनमेंट पर.